सो सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मेरे साथ जितने भी सोशल मीडिया के साथ, जैसे कि यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जितने भी सज्जन जुड़े हुए हैं, आज मैं आप सभी के साथ एक बात करना चाहता हूं कि मेरा नाम सोनू सेठी है और मैं जीरकपुर का रहने वाला हूं और यहां पे मेरे सेठी ढाबा के नाम से मेरा बिजनेस है और कोई 7 साल से मैं इस शहर में फ्री एम्बुलेंस सेवा दे रहा हूँ, जो कि मैं अपने खर्चे पर देता हूँ, जिसमें कि हम लवारिस लाशें या कोई एक्सीडेंट केस, हर तरह के, मतलब कि जहाँ पे इंसानियत को ज़रूरत होती है एम्बुलेंस की, तो मैं अपनी वहाँ पे एम्बुलेंस भेजता हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जिसका कि मेरे ख्याल से आपको बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई जाती है, ये कोई जब कोई बंदा मर जाता है रोड के ऊपर तो ये उसको उठाते नहीं हैं, उस बंदे को उठाकर ये हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाते। जब से आदरणीय हाईकोर्ट ने ये लॉ निकाला है कि अगर आप एक्सीडेंट केस में किसी घायल को हॉस्पिटल में लेकर जाते हो या उसकी जान बचाते हो, तो आपसे वहाँ हॉस्पिटल में कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको किसी भी कोर्ट कचहरी में तारीख भुगतने की ज़रूरत पड़ेगी। सो उल्टा सरकार की तरफ से आपको किसी की जान बचाने के लिए सम्मानित भी किया जाएगा। तब से लोग इतने जागरूक हुए हैं कि मेरे हिसाब से 60% कोई एक्सीडेंट होता है ना रोड के ऊपर, कोई घायल हो जाता है, 60% राहगीर लोग ही उस घायल को उठाकर हॉस्पिटल में छोड़ आते हैं। लेकिन ये बहुत ही शर्म की बात है कि 108 नंबर एम्बुलेंस जो कि सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये सबसे पहले पूछने लग जाते हैं कि आदमी मरा है या जिंदा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। ये 11 तारीख को ये एक एक्सीडेंट हुआ है और दैनिक भास्कर की ये खबर लगी हुई है, जिसमें कि इस बंदे को मैं खुद उठाकर लेकर गया था अपनी एम्बुलेंस पे, और जब वहाँ पे राहगीरों ने 108 नंबर एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया तो उसने यही सवाल पूछा कि बंदा मर गया है या जिंदा है। और उसके अलावा ये एक और उदाहरण है, ये 9 तारीख को एक एक्सीडेंट हुआ था जी फजिलका में, जहाँ पे कम से कम 13-14 टीचर, स्कूल के टीचर सुबह धुंध के कारण गाड़ी को ओवरटेक कर रहे थे और एक ट्राले के साथ इनकी गाड़ी टकराई, जिसमें कि कम से कम 13 टीचर्स की मौत हो गई। और उसमें भी इन्होंने, यहाँ पे ये खबर लगी हुई है कि 108 नंबर एम्बुलेंस वालों ने लाशों को उठाने के लिए ना कर दी और जिसकी वजह से ट्रालियों में वो लाशें उठा के हॉस्पिटल में भिजवानी पड़ी। सो मुद्दा ये है कि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट में कौन डिक्लेयर करेगा कि वो बंदा जिंदा है या मर चुका है, क्योंकि डॉक्टर के बिना तो कोई बता नहीं सकता कि वो इंसान अभी ज़िंदा है, या कोई राहगीर जिसको कि डॉक्टरी लाइन की बिल्कुल नॉलेज नहीं है वो तो बता नहीं सकता। अब सोचने वाली बात ये है कि लाश पड़ी है रोड के ऊपर, चिथड़े उसके उड़े हुए हैं और 108 नंबर एम्बुलेंस कहती है जी हमें ऊपर से ऑर्डर है कि हम इसे उठा नहीं सकते, जो हमारे अफसर हैं वो हमें बोलते हैं कि लाश नहीं उठानी। अब बताइए सर, इसमें इंसानियत कितनी शर्मसार होती है कि एक लाश पड़ी है, लोग उसके पास से गुजर रहे हैं, हर एक इंसान के जहन में एक डर बैठता है, ट्रैफिक कितना जाम होता है इसकी वजह से, इंसानियत कितनी शर्मसार होती है। ये बहुत ही बड़े दुख की बात है कि अगर सरकार ही उस लाश को नहीं उठाएगी तो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो अपनी गाड़ी भेजेंगे नहीं, और कोई बंदा अपनी गाड़ी में लाश को उठा के नहीं लेके जाता जी, क्योंकि हर एक के दिल में एक डर बैठ जाता है। सो ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है जी कि सरकार को चाहिए या तो वो नई गाड़ियाँ इशू करें कि ये ही सिर्फ लाश को उठाएंगी, या फिर 108 नंबर एम्बुलेंस वालों को परमिशन दी जाए कि कोई भी रोड के ऊपर किसी भी किस्म का एक्सीडेंट होता है, चाहे वो बंदा मर गया है, उसको उठा के आपने हॉस्पिटल में लेकर जाना। एक बात और है जी, अक्सर जब एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे कहते हैं कि पुलिस आएगी तो कार्रवाई होगी, पुलिस नहीं आती जी वहाँ पे 2-2 घंटे, जिसकी वजह से उस लाश की इतनी बेअदबी होती है कि ऐसे लगता है कि जैसे वो एक लवारिस है, कि उसका कोई आगे पीछे नहीं है। पुलिस ने क्या करना होता वहाँ पे आके, सिर्फ खाली फ़ोटो खींचनी होती है ना, बस फ़ोटो खींची चलो ले जाओ उठा के। आजकल हर एक के पास मोबाइल है, ड्राइवरों के पास मोबाइल हैं, वो भी फ़ोटो खींच के दे सकते हैं पुलिस को, एक्सीडेंट हो गया बंदा मर गया बस ठीक है उठा लो। पब्लिक को क्यों परेशान किया जाता है, 2-2, 3-3 घंटे पुलिस नहीं आ रही जी, डेड बॉडी पड़ी है रोड के ऊपर, लोग तमाशा देख रहे हैं, उल्टा ऊपर से लोगों के जहन में एक डर वाली भावना बैठ जाती है, इंसानी शर्मसार होती है।
सो इस तरह की बातों पे विचार करने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है, हर एक आम इंसान को इसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। सो इतनी सी मेरी बात, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो कृपया से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये गवर्नमेंट के पास ये वीडियो पहुँचे और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो।